रेखा का जन्म साउथ सिनेमा के महान एक्टर जेमिनी गणेशन के घर हुआ था। उनकी माँ पुष्पावली भी एक्ट्रेस थी, लेकिन वो सपोर्टिंग रोल में ज्यादा नजर आई। रेखा को बचपन में पिता का प्यार नहीं मिला। परिवार को आर्थिक तंगी ने रेखा को फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया। फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं होने पर भी 13 साल की उम्र में से ही वो फिल्मों में काम करने लगी, जो अब तक जारी है। लेकिन बचपन में पिता के प्यार दुलार से महरूम रही और बड़े में जीवन साथी का प्यार नसीब नहीं हुआ। चमक धमक से भरी अस्थिर जिंदगी उन्हें नशे के करीब ले गई। रेखा के अफेयर के किस्से खूब चर्चित है। कहते हैं कि एक्ट्रेस के पति मुकेश अग्रवाल उन्हें बेहद प्यार करते हैं। उनके बीच मतभेद की खबरें सामने आई। एक दिन जब मुकेश अग्रवाल के निधन की जानकारी मिली तो रेखा के चाहने वाले हैरान हो गए। एक्ट्रेस को खूब भला बुरा भी कहा गया। उनकी विनोद मेहरा, जितेंद्र, संजय दत्त और इवन अक्षय कुमार के साथ भी अफेयर की चर्चाएं खूब रही। पर सबसे ज्यादा ध्यान अमिताभ बच्चन से उनकी मोहब्बत ने खींच लिया। जी हाँ, अमिताभ से बेहद इश्क करते हैं रेखा और आज भी इनके इश्क के किस्से सुना जाते हैं। लेकिन रेखा आज बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेसेस में से एक है। फिल्मों के उलट उनकी निजी जिंदगी काफी अस्थिर रही। हालांकि एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी कहा गया हो, पर वो उससे बेपरवाह नहीं, बल्कि अपनी इमेजेस की परवाह किए बिना उन्होंने बेबाकी से अपने अफेयर और जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब दिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक बातचीत में सिमी ग्रेवाल ने उनसे पूछा था कि कभी आपको शराब पीने की आदत के बारे में हमने नहीं सुना, तो रेखा बोली, मैं यकीनन शराब पीती हूँ, मैंने ड्रग्स भी लिया, मैं अपवित्र हूँ और वासना से भरी हूँ। दुनिया में पर्दे के पीछे यूं तो हर तरह के काम होते हैं, पर रेखा की तरह इतनी साफ गोई से बात कहने के लिए वाकई में साहस चाहिए। 80 साल के अमिताभ के साथ रेखा का नाम हमेशा जोड़ा गया। कहा गया है कि रेखा खुद को अमिताभ की पत्नी मानती हैं। इस बात को तब और बल मिला जब एक्ट्रेस ऋषि कपूर और नीति कपूर की शादी में मांग में सिंदूर लगाकर वो पहुंच गई। आज तक वो तस्वीरें लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। जब सिमी ग्रेवाल ने रेखा से अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिश्ते को लेकर सवाल किया तो एक्ट्रेस ने कहा, कोई भी उनसे प्यार करेगा तो मैं क्यों अलग हूँ, मैंने किसी बात से इनकार किया है, क्या मैं उनसे प्यार नहीं करती, यकीनन उनके प्यार में हूँ मैं और मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ। ऐसा कहना रेखा का था अमिताभ के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।